दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए मैं चिकन बनाने वाला हूँ आज मसूर का दाल देकर मैं आपको चिकन बना के दिखाऊंगा। मैं पहले भी दिया हुई रेसिपी, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो मैं सोचा फिर से आप लोगों को दिया जाए। देखिए मैं 500 ग्राम चिकन लिया हूँ, इसको अच्छे से धुलाई किया हूँ, देख लीजिए अच्छे से मैं धुलाई करके उसको क्लीन करके रख दिया हूँ। आइए मैं आलू लिया हूँ, छोटे छोटे आलू है तो एक एक आलू को दो फल्ला मैं कटिंग किया हूँ। ये सबको मैं पहले फ्राई कर लूँगा। आइए हमारा प्याज है एक डेढ़ प्याज है, मतलब एक और आधा है उसको हम कट लिया है, उसको हम छोंक में देंगे। और एक तेज पत्ता। आइए मसूर का डाल लिया मैं थोड़ा सा आधा बाटी तक, वो भी हम चिकन के साथ ही देंगे। अरे हमारा मसाला है रेडी करने का, जो हम आधा प्याज और लहसुन और अदरक और दालचीनी लौंग इलायची और थोड़ा सा एक चम्मच आधा चम्मच तक जीरा, ये देखिए हम मसाला इसमें डाल दिए। हम प्याज सब जो आधा प्याज काट के रखा उसको डाल दिए। अरे जीरा है ये आधा और लहसुन है, मैं सबको काट के अच्छे से धुलाई कर लिया हूँ। आइए हमारा दालचीनी और लौंग, ये सब का हम पेस्ट बना लेते हैं। आप वीडियो सब बने लीजिए, फिर मैं आपको कैसे चिकन बनाता हूँ मसूर का डाल देगा। ये सूखा टाइप का चिकन बनेगा, ये गीला टाइप का नहीं बनेगा। वीडियो सब बने लीजिए। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी हम तेल डाल देते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, आज जिसने की हमको बहुत बहुत थैंक यू। आप सब्सक्राइबर कर रखेंगे तो मेरा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों थोड़ा बाहर का आवाज़ आ रहा है, क्यों बारिश हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा बाहर का आवाज़ को। हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। जो हम मसाला आपको दिखाए मैं उसका पेस्ट बना लिए। और ऐसे मसूर का मतलब दाल देखा आप ऐसे चिकन बनाइएगा, बहुत टेस्ट लगता है खाने में। मैं पहले भी दिया हूँ लेकिन बहुत जन नहीं देखे तो मैं सोचा फिर से दिया जाए। बहुत दिन हो गया, मतलब बहुत पुराना हो गया वीडियो, मैं सोचा नया करके फिर से वही वीडियो दिया जाए। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं अभी आलू डाल देते हैं। आलू हम फ्राई करके फिर निकाल लेंगे। हमारा आलू बहुत छोटा छोटा है दोस्तों, इसलिए हम आलू को जो ना थोड़ा देर से ऐड करेंगे मतलब हमारा चिकन में। फिर हम अच्छे से लाल करके हम फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए हमारा आलू फ्राई हो चुका है, इसको निकाल देते अभी। मैं अभी तेज पत्ता का छोड़ देते हैं, थोड़ा सा जीरा देंगे इसमें। और दोस्तों आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज से देखते हैं तो मुझे फॉलो करिएगा और लाइक शेयर करिएगा, और यूट्यूब से देखते हैं तो सब्सक्राइबर करिएगा। सेम बात रोज रोज बोलता हूँ, आप बोलेंगे सेम बात रोज रोज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा वीडियो कोई देखता नहीं है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। देखिए हम प्याज जो काट के रखे थे एक और आधा वो हम डाल दिए इसमें। मैं पूरा चिकन में दो प्याज लिया हूँ, आधा मैं पेस्ट बनाया हूँ और एक आधा मैं डेढ़ प्याज को छोंक में दिया हूँ। 500 ग्राम चिकन लिया मैंने इसमें। अब इसके बाद हम फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज ज़्यादा देंगे तो क्या है थोड़ा मसाला बनेगा तो चिकन में मसाला नहीं रहेगा ना, मसाला तो चिकन में थोड़ा चाहिए ना, इसलिए थोड़ा प्याज हम इतना दिए। तो फ्राई होने देते और जो गरम मसाला को मैं पेस्ट बनाया हूँ दालचीनी लौंग जो मैं प्याज जो आधा लहसुन में पीसा उसमें डाल दिया हूँ, तो मैं लास्ट में जो इसमें है ना गरम मसाला ऐड नहीं करने वाला, गरम मसाला तो मैं पेस्ट बना लिया हूँ तो इसलिए मैं इसमें लास्ट में चिकन मसाला ऐड करूँगा, जो चिकन मसाला पाउडर होता है वो। और आपको लास्ट में गरम मसाला देना था वो भी दे सकते हैं, अपना मर्जी आपका, लेकिन मैं गरम मसाला तो साथ में पीस लिया हूँ और मैं लास्ट में चिकन मसाला ऐड करूँगा इसमें। देखिए ये हमारा प्याज तो थोड़ा फ्राई हो गया, अभी हम इसमें चिकन डाल देते हैं। इसमें हल्दी और नमक डाल देते क्यों जो चिकन जो है ना व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, इसलिए हल्दी नमक हम डाल देते हैं। अब ये चिकन को ना एकदम मसाला जैसे मार के भी डाल कर बना सकते हैं, इसलिए एक चम्मच नमक डाल दें।
एक चम्मच और थोड़ा सा कम, दो मतलब दो चम्मच ही हो जाएगा, थोड़ा सा कम दो चम्मच डालना है। अभी हल्दी पाउडर डालते हैं, देखिए आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही है। आप कितना चिकन लीजिएगा, कितना मतलब प्याज लीजिएगा, वो सबसे मसाला का ऐड करिएगा। और सूखा में नमक अलग पड़ता है, फिर गीला में नमक अलग पड़ता है। नमक का मतलब जो देने का तरीका वो बहुत टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट नहीं होता है। अब इसको हम प्याज के साथ चिकन को हम दो तीन मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद जो हमारा पेस्ट वाला जो मसाला है वो हम ऐड करेंगे। तो हल्दी या नमक इसमें डाल देना, क्या होगा चिकन जो है ना पीला पीला पन जो है ना वो नहीं दिखेगा आपको, मतलब व्हाइट पन जो है वो नहीं दिखेगा, कलर आ गया इसमें। अब इसमें हमारा जो बाकी मसाला है वो भी हम ऐड करेंगे, जो धनिया पाउडर है और मिर्ची पाउडर। मैं एक चम्मच नमक किया, मिर्ची पाउडर डाल लो एक चम्मच, थोड़ा सा मेरा डब्बा में खत्म हो गया। इतना ही देंगे मिर्ची, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, आपको जितना जितना पसंद है अपने हिसाब से दीजिएगा। और धनिया पाउडर मैं आधा चम्मच दे रहा हूँ, आइडिया से दिया दोस्तों, तो मैं जीरा पेस्ट बना के दिया हूँ। अभी इसको हिला लेते हैं, चिकन का रेसिपी मैंने बहुत सारा दिया है दोस्तों, आप नहीं देखे तो चैनल पर जाके देखिएगा। चिकन का रेसिपी में मैं क्या बोलता है गोटा चिकन भी बना के आपको मतलब वीडियो में डाला हूँ मैं। देखिए हमारा आधा रसून का जो पेस्ट मैंने सब बनाया था, आधा रसून जीरा और दालचीनी लौंग ये सब गर्म मसाला का, ये भी हम ऐड कर दिए। इसमें थोड़ा लगा हुआ है वो भी डाल देते हैं, हमारा मसाला में बिल्कुल पानी नहीं है तो जल जाएगा, इसलिए मैं पूरा इसमें फ्राई करके पानी डाल देते ना, मसाला लगा हुआ भी था। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। और जो हमारा प्याज जो मैंने छोक में दिया वो प्याज जो सब गल जाएगा, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए दोस्तों मैंने जो दाल आपको दिखाया था मसूर का दाल, ये भी ऐड कर देंगे इसमें भी। और दोस्तों मसूर का दाल डालने के बाद जो है ना आपको इसको दो दो मिनट बाद आपको हिलाने का, तो दाल तो नीचे चिपक जाता है तो नहीं तो जल जाएगा, इसलिए आपको हिलाते रहने का। मैंने आपको पूरा ये सब दिखाएंगे नहीं, मतलब हिलाने का बार बार, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको बता देता हूँ जब ये मसूर का दाल देके चिकन बनाइएगा तो आपको उसको हिलाते रहिएगा दो दो मिनट बाद। देखिए अब इसको ढक देते हैं हम, और आलू जो है ना थोड़ा बाद में मतलब डालेंगे तो फ्राई हो जाए उसके बाद, क्योंकि आलू हमारा बहुत छोटा है गल जाएगा। अभी जो हमारा आलू फ्राई करके रखे वो भी ऐड कर देते हैं कि वो भी थोड़ा सीझेगा ना पूरा आलू। अभी हम पहले क्यों नहीं डाले, इसलिए कि हमारा आलू जो है ना बहुत छोटा छोटा है, वो गल जाएगा बहुत इस प्लेट में, इसलिए मैं बोला थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसका बाद। अभी इसको हम कम आँच में करके पकाएंगे, हमारा दाल है जो भी आलू है सब पकेगा, फ्राई अभी हुआ नहीं, अभी बाकी है फ्राई। और एकदम कम आंच में फ्राई करिएगा, और थोड़ा थोड़ा बाद ही आप चेक करिएगा नीचे चिपक ना जाए। देखिए दोस्तों हमारा चिकन बन गया, इसमें हम अभी जो चिकन मसाला वो ऐड कर देते हैं। और हम फ्राई हो गया था थोड़ा सा, मतलब आधा गिलास से भी कम मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था, वो आपको दिखाना भूल गया, मैंने मोबाइल ऑन नहीं किया था, तो थोड़ा सा आधा गिलास पानी मैंने डाला था। ये देखिए हमारा चिकन मसाला है, हम उतरने का टाइम हो गया, हमारा बन गया है मसूर का दाल देखिए चिकन। अब हम इसको उतार देंगे,
इसलिए आप जब ही ऐसे कुकिंग करिएगा जब आपका फ्राई हो जाएगा पूरा दाल मसाला देके, तो ज़्यादा नहीं आधा गिलास पानी आप ऐड कर दीजिएगा, करके फिर कम आँच करके एकदम ढक के रखिएगा, फिर आप ऐसे बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा इसमें मसाला भी हुआ है, आप इससे मसाला से रोटी भी खा सकते हैं, भात भी खा सकते हैं, आप ये सूखा चिकन देखिए खाना खा सकते हैं, मतलब जैसे आपको तकलीफ नहीं रहेगा। और इसलिए मैंने थोड़ा प्याज का ज़्यादा दिया है, हमारा जब हम दाल ऐड करेंगे ना इसमें तो हमारा मसाला बहुत होता है दाल से, क्योंकि हमारा दाल भी बहुत अच्छा से सीख गया। आप बहुत अच्छा चिकन बनाइए, देखिए मैंने पहले भी दिया है, आप लोग नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी थोड़ा इससे अलग रंग ही है, और ये आज भी बनाया वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं जो भी चिकन देता हूँ रेसिपी थोड़ा अलग अलग ढंग से देता हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कि एक ही जैसा देंगे तो फिर नहीं देखेंगे ना, तो इसलिए थोड़ा अलग अलग ढंग से देता हूँ। देखिए हमारा चिकन बन के रेडी है दोस्तों, आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करिएगा और लाइक शेयर करिएगा दोस्तों, बाय दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, बाय।